आज शुभ शनिवार है। शुभ शनिवार का मतलब हमारा ऑफिशियल ऑथेंटिक बुद्ध से भी पहले का पारंपरिक दुनिया का सबसे पहला आपस में मिलने का और संघ के नियम के तहत में अपनी जितनी कठिनाई है, जितने दुख और सुख हैं, उन पर बात करने का, एक साथ मिल बैठकर घर से लाई हुई रोटी खाने का, एक दूसरे के साथ आगे की बात करने का, पीछे जो दिक्कतें आई हैं उनका समाधान करने का, रिश्ते नाते बढ़ाने का। ये हमारा दुनिया का सबसे नायाब और सबसे बढ़िया दिन रहा है। उसके बाद जो और लोगों ने संघ बनाए या जो और लोगों ने समुदाय बनाए या ग्रुप बनाए या जो कम्युनिटीज बनी, उन लोगों ने भी एक एक दिन चुना और पूरी दुनिया में जो रविवार है उसको जो ईसाई लोग हैं उनके जो संघ के लोग हैं वो आपस में बैठते हैं, सन्निपात बहुल करते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं वो जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को बैठकर सन्निपात बहुल करते हैं। और जो दुनिया में अलग अलग सभ्यताएं हैं उनका 7 दिन में कोई ना कोई एक दिन मिलके बैठने का है। मगर सबसे प्राचीन और सबसे पहला पूरी दुनिया में वो दिन हमारा है और इसके बाकायदा सबूत मिलते हैं जब हम पाली पढ़ते हैं। पाली में जब सन्निपात बाहुल में 7 अपरिहार्य नियम बुद्ध बताते हैं, वो इतिहास, भारत का इतिहास सबसे पुराना इतिहास है, वो परंपरा हमारी आज तक भी जीवित है। वो अलग बात है कि उस परंपरा को खराब कर दिया और सन्निपात बाहुल से सन्नीचर्या कर दिया, चर्या का मतलब दिनचर्या, सन्नीचर्या कर दिया और सन्नीचर्या से सह बदलकर शय कर दिया, तो सन्नी का शनि कर दिया, शनि कर दिया, शनिचर्या कर दिया और शनिचर्या से शनिवार कर दिया और शनिवार को फिर बदनाम कर दिया कि उस दिन बाहर नहीं निकलना है, लोहे का कुछ करना नहीं है, खरीदना नहीं है, क्योंकि जो लोहे की धातु के बने हुए 11 प्रकार के 7 दंड होते थे जो बुद्ध ने बताए भिक्षुओं को रखने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए, वो 7 दंड भी हम रखते थे। 7 दंड मतलब शस्त्र वाला डंडा जिसके ऊपर बल्लम होता था, जिसके ऊपर लोहा लगा रहता था या तांबा लगा रहता था, जो हमारी सुरक्षा के लिए होता था। ये तो भिक्षुओं के लिए 11 प्रकार के थे, हमारे लिए तो कोई सा भी 7 दंड हो सब प्रकार के चलते थे। वो 7 दंड रखने की परंपरा बाद में कुछ लोगों ने ली, जैसे कुछ लोगों ने डंडा रखा, आपने देखा होगा, और कुछ लोगों ने कृपाण या तलवार रखी, ऑफिशियल रखी, और कुछ लोगों ने अलग अलग तरह की रखी अपनी सुरक्षा के लिए। मगर ये नियम हमारे नियम है, हम चूंकि अपना विनय, विनय का मतलब नियम होता है, विनय पढ़ते नहीं, देखते नहीं, और बुद्ध को सिर्फ इतना ही हमें बताया गया कि बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं बस, और इसके आगे कुछ नहीं। तो सारा जो बुद्धिज्म है और जो सारा बुद्ध का जो ज्ञान है, जो बुद्ध ने बताया, जो बुद्ध के नियम थे, वो किताबों में ही रहते रहते खत्म हो गए और हम उन किताबों के बंद होने से, उन नियमों के बंद होने से पूरे के पूरे खत्म हो गए। जब व्यक्ति खत्म होता है या कहीं पानी में गिर जाता है और जान बचाता है, या कहीं आग में गिर जाता है, या भूकंप में गिर जाता है, या बाढ़ में गिर जाता है, और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो उसका एक सहज ज्ञान होता है जिसको 6th sense बोलते हैं। जो पुराना कोई ज्ञान होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा ही पुराना ज्ञान एक्टिवेट हुआ बुद्ध का जब वो 11 साल की अवस्था में थे और जामुन के पेड़ के नीचे अपने खेतों में जब हल चला रहे थे, जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वहां उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उनका एक पुराना जो ज्ञान था वो पुराना ज्ञान निकल के आया और उन्होंने वहां ध्यान लगाया। उस पुराने ज्ञान से ही उन्होंने बाद में 35 साल की आयु में ये जो धम्म है इसको डिस्कवर किया, रीडिस्कवर किया, वही ज्ञान काम आया। कोई गुरु, कोई उनका आचार्य, किसी का भी ज्ञान काम नहीं आया। सभी आचार्य, सभी लोग, जितने भी गुरुकुल थे, सब 6 साल तक उन्होंने लगातार वहां पढ़ाई की मगर बात नहीं बनी, तो उनका वही सहज ज्ञान काम आया। यही सहज ज्ञान यानी साधारण ज्ञान, सीधा साधा ज्ञान कबीर के पास था और यही हमारे संतों के पास था और यही हमारे हर व्यक्ति के पास है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वही सहज ज्ञान अब हमें समझ में आया
कि भाई हम मरने वाले हैं, तो कोई तो चीज ऐसी होगी जो महापुरुषों ने दी होगी। जब यहां तक हम जिंदे आए और यहां तक बचे हैं, तो कोई तो बात ऐसी होगी जो हमें बचा सकती है। तब हमें ये दिखाई दिया कि ये जो संघं शरणं गच्छामि है और ये जो समण है, ये क्या है। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.